cry against exploitation, and exploitation means shoshan, cry means chillana, cheek, and against means puru. So kiske virudh chillana? Shoshan ke virudh ek pukar ya cheek. Okay? And it is a story about Kailash Satyarthi, who is a social activist and fight against the child labor. Kiske against wo ladte hain? Child laboring ke against wo ladte hain ki child laboring is not allowed. Child laboring karana, it's not allowed. Okay? So let's start. So read a story about a brave man and his fight against the vices of society. Means, आज हम किसके बारे में स्टोरी पढ़ने वाले हैं? About a brave man, एक बहादुर इंसान के बारे में और उसकी फाइट के बारे में, उसकी लड़ाई के बारे में, किसके खिलाफ? जो सोसाइटी के वाइसेज हैं, उनके रूल्स हैं, उनके खिलाफ लड़ना. Okay? While childhood is synonymous with playful pranks for many of us. Means childhood को किसका synonym है? Childhood किसका synonym है? Pranks, games, playful pranks. Means बच्चे खेलने के लिए बने होते हैं, ठीक है? There are just as many for whom childhood is an indelible. What is the meaning of indelible? Impossible to remove. जिसको remove बिल्कुल नहीं किया जा सकता, नहीं हटाया जा सकता है. So there are just as many for whom childhood is an indelible scar that they carry with them for the rest of their lives. ठीक है? तो childhood एक ऐसी चीज है इंसान के पास कि जिसको उनकी यादों से बिल्कुल नहीं मिटाया जा सकता है. इंसान के साथ उसका बचपन, उसका childhood हमेशा उसके mind में रहता है, हमेशा वो चीज उसको याद रहती है. ठीक है? So child slavery, slavery means, what is the meaning of slavery? गुलामी. Slave means गुलाम. Okay? So child slavery refers to enslavement of children below the age of 18 for profit. Often through violence, abuse and threats. So आपने देखा होगा कई जगह child labor. Child labor means छोटे बच्चों से work कराया जाता है जगह जगह, means अलग अलग. Means restaurants पे आपने देखा होगा, अपने market में कहीं देखा होगा, ठीक है? जो grocery shops होती है वहाँ देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चों से काम कराया जाता है. बट वो उनकी वर्क करने की एज नहीं होती है. वो किस चीज़ की एज है? उनकी पढ़ाई करने की एज है. ठीक है? जैसे आप लोग हैं वैसे ही वो है. आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, इसीलिए वो उनका हक है कि उन्हें भी पढ़ाई मिलनी चाहिए, एजुकेशन मिलनी चाहिए. इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने एक रूल भी निकाला, एक राइट भी निकाला है. क्या राइट है? राइट टू एजुकेशन. राइट टू एजुकेशन मीन्स क्लास 8 तक हर बच्चे को एजुकेशन मिलनी कंपलसरी है. हर बच्चे को एजुकेशन मिलनी कंपलसरी है. इसीलिए हमारे गवर्नमेंट ने रूल भी निकाला है, राइट टू एजुकेशन. लेकिन अब गवर्नमेंट ने रूल निकाला राइट टू एजुकेशन, बट जब लोग उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करेंगे और छोटे छोटे बच्चों को अपने यहाँ डर के कारण, ठीक है, उनके साथ गाली गलौज करके, वायलेंस करके, डरा धमका के, मारपीट कर अपने यहाँ अगर काम करवाना स्टार्ट कर देंगे तो वो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? तो इंडिया का राइट टू एजुकेशन जो रूल है वो तो बिल्कुल बेकार है. ठीक है? तो इसको कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, इसको कैसे सपोर्ट किया जा सकता है? लेट्स वी रीड टुडे. ओके. ऑफन थ्रो वायलेंस, अब्यूज एंड थ्रेट्स इन फ्लैश ट्रेड, forced begging, petty crime and drug trade. Enslaved children are forced to work as bonded labor. Bonded labor means bandhua mazdoor. ठीक है? उन्हें भी बहुत मामूली पैसे दिए जाते हैं उनके वर्क के लिए. और एग्रीकल्चर में गांवों में भी ना बंधुआ मजदूर बनाए जाते हैं और वो उन्हीं के पास काम कर सकते हैं और बहुत लिमिटेड उन्हें मनी दी जाती है उनके वर्क के लिए. फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन, ब्रिक्स, किल्न्स, माइंस, बार्स, टूरिस्ट इंडस्ट्री और डोमेस्टिक वर्क. मीन्स घर पे भी काम काज के लिए अपने ना सोसाइटीज में देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चों से, छोटी छोटी लड़कियों से घर के काम कराए जाते हैं. भीख मंगवाई जाती है, छोटे छोटे वो ग्रुप चलते हैं, छोटे छोटे बच्चों से भीख मंगवाई जाती है. ड्रग ट्रेड करा जाता है, ड्रग्स का क्या किया जाता है, व्यापार किया जाता है. तो इस तरीके से छोटे छोटे बच्चों का शोषण किया जाता है, उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है. Okay, this not only deprives them of their childhood but also interferes with their ability to attend regular school. So ये ना तो सिर्फ उन बच्चों को उनके बचपन से दूर कर रहा है, क्योंकि वो बच्चे जब मीन्स पैसे कमाना स्टार्ट कर देंगे तो उनका बचपन जो है उनसे दूर होता चला जाएगा. उन्होंने तो अपना बचपन
एंजॉय किया ही नहीं है, जबकि चाइल्डहुड सिर्फ एंजॉय करने के लिए होता है, पढ़ने के लिए होता है, ठीक है, लेकिन चाइल्ड लेबर वो चीजें एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज एंड इज मेंटली फिजिकली सोशली एंड मॉरली हार्मफुल। बच्चों को पीटा जाता है, उनको गाली गलौज की जाती है, फिजिकली मारा जाता है उन्हें, ठीक है, इस तरीके से उनके माइंड पे प्रेशर पड़ता है, उनके फिजिक पे प्रेशर पड़ता है, सोशली वो डेवलप नहीं हो पाते हैं, उनके मॉरल्स डेवलप नहीं हो पाते हैं, तो ये सभी चीज़ों के लिए उनके लिए हार्मफुल है। इवन दो सच एक्सप्लॉइटेशन इज प्रोहिबिटेड बाय लेजिस्लेशन वर्ल्ड वाइड, चाइल्ड स्लेवरी हैज बीन प्रिवेलेंट इन द वर्ल्ड स्पेशली इन द डेवलपिंग नेशंस, ठीक है। अब चाइल्ड स्लेवरी ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंडिया है, इंडिया में चाइल्ड लेबरिंग नहीं है, अच्छे जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना उनमें भी अभी भी चाइल्ड लेबरिंग बहुत ज्यादा है, डेवलप्ड कंट्रीज। सो लेट अस रीड द स्टोरी ऑफ अ मैन हु बिलीव्स दैट फ्रीडम इज नॉन नेगेटिव एंड इज ऑन हर्क्यूलियन मिशन टू हेल्प चिल्ड्रन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हर्क्यूलियन? हर्क्यूलियन मींस नीडिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, मीन्स वो एक ऐसे मिशन पर चल पड़ते हैं जिसके बारे में हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं, वो ऐसे मिशन पर चल पड़ते हैं जिसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा शक्ति की, बहुत ज़्यादा पावर की जरूरत पड़ती है, एंड द नेम इज कैलाश सत्यार्थी। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, इन द नेक्स्ट पैराग्राफ कैलाश सत्यार्थी वॉज बोर्न एज कैलाश शर्मा। कैलाश सत्यार्थी का नाम कैलाश सत्यार्थी नहीं था, उनका नाम क्या, कब उनका जन्म हुआ था, उनका नाम क्या था, कैलाश शर्मा। ऑन 11th जनवरी 1954 इन विदिशा, अ स्मॉल टाउन इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ था, वहाँ पर एक जगह है, एक टाउन है जिसका नाम है विदिशा, तो वहाँ उनका जन्म हुआ था एज कैलाश शर्मा। इस वो था पुलिस कांस्टेबल, उनके जो पिताजी थे वो पुलिस कांस्टेबल थे, उनकी मदर एक अनएजुकेटेड लेडी थी, अनएजुकेटेड तो थी, वो अनपढ़ थी लेकिन आइडियलिस्टिक थी, मीन्स वो अपने रूल्स को अपने उसूलों को मानने वाली थी, और एक हेल्पफुल लेडी थी, वो सबकी हेल्प करती थी। वो मेड अ ह्यूज इंप्रेशन ऑन द माइंड ऑफ यंग कैलाश, और उनकी मदर ने उनके माइंड पर एक बहुत गहरा प्रभाव डाला। एट अ वेरी यंग एज कैलाश टॉट उर्दू फ्रॉम अ मौलवी, और बहुत ही छोटी उम्र में उन्होंने एक मौलवी से उर्दू सीखना स्टार्ट किया एट अ नियर बाय मॉस्क्यू, इवन बिफोर ही लर्न इंग्लिश एंड हिंदी, और उससे पहले उन्होंने क्या सीखा था, इंग्लिश और हिंदी वो सीख रहे थे। A young child, the son of a cobbler, waiting outside the school, watching school children walk by. This made Kailash question why the child was not studying in the school. He set out looking for an answer. His first encounter was with his schoolmaster, who told him that children of poor people were born to work because they couldn't afford an education. The inequality rattled young Kailash, and he posed the same question to his principal, also their family acquaintance, his parents, even to the cobbler, but got the same response. The thought of lost childhood and inequality left a lasting impression on the young mind, which sowed the seeds of the Bachpan Bachao Andolan. Okay, now wait, Peter, now wait. The next paragraph. At an impressionable means प्रभावित, जिस समय हमारे mind पर सबसे ज़्यादा असर बातों का पड़ता है वो कौन सी होती है, impressionable age, means बहुत छोटी age में। At an impressionable age, जब वो school में थे, कैलाश noticed discrimination, उन्होंने क्या महसूस किया, discrimination means बेटा भेदभाव। हमारी सोसाइटी में आपको भी पता है, आपने भी नोटिस किया होगा या अपने साथ नहीं किसी और के साथ कभी देखा होगा, तो भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन को नोटिस किया जाता है, वो सब कलर के बेसिस पे हो, अमीरी गरीबी के बेसिस पे हो, या फिर कास्ट के बेसिस पे हो, हमेशा हम कहीं ना कहीं चीज़ों को ना नोटिस कर लेते हैं अपनी सोसाइटी में, ठीक। एंड वो डीपली अपसेट, और वो एक सीन देखकर बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए थे। ड्यूरिंग हिज अर्ली स्कूल डेज ही वुड नोटिस अ यंग चाइल्ड, द सन ऑफ अ कॉबलर, कॉबलर मीन जो मोची होते हैं ना जूते ठीक करते हैं, उसके एक बेटे को उन्होंने रोड पर बैठे हुए देखा, वेटिंग आउटसाइड द स्कूल वॉचिंग स्कूल चिल्ड्रन वॉक बाय, कि वो स्कूल के बाहर बैठ के वेट कर रहा था कि कब स्कूल के बच्चों की छुट्टी होगी, कब वो बच्चे जाएंगे। दिस मेड कैलाश क्वेश्चन व्हाई द चाइल्ड वॉज नॉट स्टडिंग इन द स्कूल, और कैलाश
सबके माइंड में तब ये क्वेश्चन आएगी, बच्चा स्कूल के बाहर क्यों बैठा है, ये स्कूल में जाकर एंट्री करके पढ़ क्यों नहीं रहा है, तो उसके माइंड में ये जो क्वेश्चन है वो मूव कर रहा था। He set out looking for an answer. वो बड़ा उसने कोशिश करी कि वो इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ पाए। His first encounter was with the school, his school master who told him that the children of poor people were born to work because they could not afford an education. और जब उस बच्चे के प्रिंसिपल से कैलाश सत्यार्थी जाकर मिलते हैं तो उस वो प्रिंसिपल का क्या जवाब होता है कि पुअर जो पीपल है उनके बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं होता है, वो सिर्फ काम करने के लिए बने होते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उन बच्चों की जो फी है वो देने के लिए वो कैपेबल नहीं है, इसीलिए गरीब लोगों के जो बच्चे हैं उन्हें पढ़ने का कोई हक नहीं है। तो ये किसका जवाब था? इट इज द रिप्लाई ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ दैट चाइल्ड, उस बच्चे के प्रिंसिपल का ये जवाब था। The inequality rattled young Kailash and he posed the same question to his principal. ठीक है, अब उसके माइंड में इनइक्वलिटी का असमानता का ये क्वेश्चन घूम रहा था। देन वो किसके पास जाता है? अपने खुद के प्रिंसिपल के पास जाते हैं और वो उनसे ये सेम क्वेश्चन पूछते हैं। ऑल्सो देयर फैमिली, अपने प्रिंसिपल के पास जाते हैं, अपने जान पहचान के लोगों के पास जाते हैं। एक्वेंटेंस या वर्ड लिखा है, एक्वेंटेंस मीन्स जान पहचान, जान पहचान के लोगों के पास, अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं, उस कॉबलर के पास भी जाते हैं इस सवाल का जवाब पूछने के लिए, इस इनइक्वलिटी का जवाब लेने के लिए कि हमारी सोसाइटी में ये असमानता क्यों है, क्यों गरीब लोगों के बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं। बट गॉट द सेम रिस्पॉन्स, लेकिन सबसे उन्हें ये सेम रिस्पॉन्स, सेम जवाब उन्हें रिपीटेशन में मिलता है। द थॉट ऑफ लॉस्ट चाइल्डहुड एंड इनइक्वलिटी लेफ्ट अ लास्टिंग इंप्रेशन ऑन द यंग माइंड। और ये जो इस क्वेश्चन का जवाब कैलाश सत्यार्थी को नहीं मिलता है, यही स्टार्ट होने का रीजन होता है आंदोलन, एक मूवमेंट जो कि कैलाश सत्यार्थी ने कुछ समय के बाद स्टार्ट किया था, एंड द मूवमेंट वाज बचपन बचाओ आंदोलन। उन्होंने चाइल्ड लेबर्स के लिए, जो गरीब लोगों के बच्चे हैं उनके लिए एक आंदोलन, एक मूवमेंट स्टार्ट किया था, विच वॉज बचपन बचाओ आंदोलन। ठीक है, चाइल्डहुड, बचपन में चाइल्डहुड। Shaya, now be ready for the reading. Shaya, Shaya. School books from his friends and acquaintances after the annual examinations and then distributing them. The two young children who wanted to study but could not afford to buy those books, Kailash completed his graduation in Electrical Engineering from Samrat Ashok Technological Institute in Vidisha and later took up a job as a lecturer at a college in Bhopal. In the year 1980, he started Bachpan Bachao Andolan. Very, very good, Rohita. Okay, Kailash took his first step in this direction. और उन्होंने जो आंदोलन start किया, movement start किया, उन्होंने अपना first step start किया. किसके साथ? कलेक्टिंग बुक्स, वो बुक्स को इकट्ठा करते थे, जैसे जो बच्चे पास आउट हो जाते थे उनके अपने जान पहचान के जो बच्चे हैं उनसे उन बुक्स को वो ले लेते थे। ठीक है, एंड देन डिस्ट्रीब्यूटिंग देम टू यंग चिल्ड्रन, और जो गरीब बच्चों पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे पढ़ने के लिए जो पढ़ना चाहते थे, बट कुड नॉट अफोर्ड टू बाय दोज बुक्स। कैलाश कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम सम्राट अशोक, उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की कहाँ से? विदिशा में से ही, एंड लेटर टुक अप अ जॉब एज अ लेक्चरर, और उन्होंने कॉलेज में एक लेक्चरर की जॉब स्टार्ट की भोपाल में। इन द ईयर 1980 ही स्टार्टेड बचपन बचाओ आंदोलन, और उन्होंने 1980 में 1980 में उन्होंने एक आंदोलन स्टार्ट किया, मूवमेंट स्टार्ट किया, विच इज बचपन बचाओ आंदोलन इन 1980। कब स्टार्ट किया गया था बचपन बचाओ आंदोलन? 1980, 1980।
He was shaken by the prevalence of child labor in India and the fact that the acute poverty often forced poor people to repay their monetary debts through bonded servitude of their children. और यहाँ पे उन्होंने आवाज उठाने शुरू की किसके लिए, चाइल्ड लेबरिंग के लिए, कि चाइल्ड लेबर ना किया जाए. और यहाँ पर उन्हें ये फील होने लगा था कि जो चाइल्ड लेबर हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उन्हें अपना घर का गुजारा करने के लिए उनके घर की कंडीशन खराब होती है, उनके पेरेंट्स के ऊपर कर्जा होता है, इसीलिए उन्हें चाइल्ड लेबरिंग करनी पड़ती है. ओके, नाउ वी विल परस्यू आवर चैप्टर इन आवर नेक्स्ट क्लास. सो बी रेडी एवरीवन. मैम